राम राम जी मेरे सारे भाइयों को। भाई आज हमारे पास है ओनली 2024 मॉडल बर्गमैन स्ट्रीट 125 सीसी की। एंड आज हमारे पास में कंपैरिजन के लिए टीवीएस की एंटॉर्क 125 रेस एक्सपी एडिशन। एंड बताने वाले हैं भाई दोनों में आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, कितने की पड़ती है आपको बेसिक ऑन रोड प्राइसिंग एंड कितने की पड़ती है आपको एक्स शोरूम। तो फटाफट से करते हैं अपनी वीडियो को शूट बिना किसी देरी। बात करते हैं पहले स्कूटी के फ्रंट के लुक से। तो भाई यहाँ पर आपको काफी बड़ा सा मिल जाता है आपको वाइजर आपको इस तरीके से, जिसमें आपको चार मिलते हैं एलन की बोल्ट्स। एंड जो है इसका काफ़ी ज़्यादा फूली फूली मतलब थोड़ी सी खाते पीते कर लगती है अपनी स्कूटी, जैसे कि एवरेज वगैरह जो है पतली देखना होती है। बट भाई काफ़ी आपको चौड़ी मिल जाती है आपको, जैसे कि प्राइसिंग में भाई इस स्कूटी से काफ़ी आपको अच्छी खासी मिल जाती है प्राइसिंग में भी, ठीक है। तो इसके अंदर आपको एक सबसे प्यार कलर लगता है इसका व्हाइट है, इसमें आपको अपनी ग्लॉसी ब्लैक का ट्रीटमेंट दिया हुआ है स्कूटी के अंदर। मतलब आपको डुअल टोन कलर मिल जाती है आपको, जैसे काफ़ी व्हाइट कलर की बॉडी है पूरी, उसकी प्लास्टिक पूरी फाइबर बॉडी है, तो इसमें आपको अपने ब्लैक का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आपको पूरा ब्लैक का ट्रीटमेंट दिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है अपने व्हाइट कलर की स्कूटी के ऊपर। यहाँ पर भी आपको मैटर का मिलता है इसका पूरा फ्रेम जो मिलता है नंबर प्लेट का। एंड आपको यहाँ पर मिल जाता है आपको आपको सुजुकी का लोगो जो मिलता है इस तरीके से, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने को। इसकी नोस मिलता है आपको पूरा सामान जो पूरा नोस मिल जाता है आपको। हेडलैम्प भाई सबसे प्यारा मिल जाता है हेडलैम्प इसका। चाबी पर ऑन करता हूँ आपको उसकी स्कूटी की। भाई आपको यहाँ पर पिच में मिलता है लो बीम, बाकी आपको साइड में मिल जाता है अपना हाई बीम उसकी ऑन आती है। एंड यहाँ पर मिलती है आपको अपनी DRS मोटी मोटी बड़ी बड़ी मिल जाती है आपको यहाँ पर अपनी DRS वगैरह। यहाँ पर नीचे मिलता है इसका मडगार्ड जो मिलता है आपको पूरा फाइबर फिनिश का मिल जाता है, इसमें आपको लगे हुए हैं रिफ्लेक्टर साइड के अंदर। एंड इसमें सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक फोक मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको छोटी सी मिलती है आपको डिस्क ब्रेक। एंड यहाँ पर आपको निशन भी मिलते हैं कैलिपर वगैरह देखने में इस तरीके से। एंड यहाँ पर आपको अपना जो मिलता है टायर साइज वो मिल जाता है भाई आपको कहाँ गया भाई। यहाँ पर आपको MRF मिलता है ट्यूबलेस टायर जो मिलता है आपको अपना 90-90-12 इंच का मिल जाता है। एंड चाबी अपनी ऑफ कर देता है कैसी बैटरी वगैरह लो ना हो जाए। बात करते हैं सबसे पहले स्कूटी के फ्रंट के लुक से। तो भाई यहाँ पर आ जाते हैं, तो भाई यहाँ पर आपको पूरा मिलता है आपको वाइजर जो मिलता है आपको मैट फिनिश के अंदर। यहाँ पर आपको मिलता है इंडियन फ्लैग, क्योंकि आपको TVS की हर प्रोडक्ट के अंदर आपको इंडियन फ्लैग मिलता है आपको। एंड यहाँ पर मिलता है आपको अपना वाइजर जो मिलता है आपको अपना कुछ इस तरीके से छोटा सा मिलता है आपको जो मिलता है ब्लैक रंग के अंदर आपको। बाकी यहाँ पर मिलती है आपको अपनी स्मार्ट एक्स कनेक्टेड बैंडिंग बिल्कुल भाई इस स्कूटी के अंदर भी आपको अपना मैसेज वगैरह कॉल असिस्ट वगैरह आपको सारे फीचर मिलते हैं, जैसे टाइम लैप्स वगैरह मिलते हैं आप इसके अंदर आपको। एंड इसकी भाई अपनी स्कूटी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिलती है, मतलब सीधी बात यह है। और इधर नीचे बात करते हैं तो इसके नोज पे आते हैं, तो यहाँ पर मिलता है TVS का लोगो, मतलब लोगो में पूरा TVS की ब्रांडिंग मिलती है आपको 3D एलिमेंट्स के साथ में। यहाँ बात करते हैं यहाँ पर मिलती है आपको नंबर प्लेट की प्लेसमेंट जो मिलती है प्लास्टिक फ्रेम के साथ में। बाकी जो पूरी नोज दी है ये दी है आपको अपनी, और जो उसकी नोज मिलती है वो मिलती है आपको ग्लॉसी ब्लैक के अंदर। बाइक जो स्कूटी कलर है वो मिलता है आपको ऊपर मैट फिनिश, एंड मिलता है आपको ग्लॉसी फिनिश का टच मिलता है आपको देखने में, जैसे कि नोज मिलती है ऊपर मिलता है ये आपको मिलता है ग्लॉसी मिलता है। बाकी पूरी स्कूटी मिलती है आपको मैट फिनिश के अंदर, साथ में टेक्सचर दिया हुआ है आपको ग्लॉसी ब्लैक के साथ में, ओके। एंड भाई नीचे बात करें अपने हेडलैम्प्स की, चाबी ऑन कर देते हैं। तो उससे पहले दिखाया था आपको अपने इंडिकेटर मिलते हैं आपको सिंपली मिलते हैं हेडलैम्प बल्ब के अंदर, बट मिलते हैं आपको अपने 1000 के साथ में, आपको 4 इंडिकेटर मिल जाते हैं आपको इसके अंदर जलते हुए। एंड नीचे दिखाते हैं, तो भाई यहाँ पर मिलते हैं आपको अपने DRS काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में आपको इस तरीके से। एंड यहाँ पर आपको नीचे हाई बीम लो बीम दोनों सपोर्ट मिलते हैं आपको अपने इसके LED वाला सेटअप पूरा हेडलैम्प का। एंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं, एग्रेसिव लुक आता है इसका, काफ़ी ज़्यादा अपनी फ्यूचरिस्टिक इसकी डिज़ाइन लगता है मेरे एंटॉर जब से, और इसका लुक आया ना इसमें मैट ब्लैक और इसमें कलर रंग रेड रंग के, भाई जब से स्पोर्ट लुक काफ़ी अच्छी निकल के आती है लुक वगैरह स्कूटी की। एंड बाकी हेडलैम्प दिखा दी मैंने आपको, नीचे मिलता है इसका मडगार्ड जो मिलता है आपको प्लास्टिक फिनिश के अंदर, बट आपको हाफ मिलता है मडगार्ड आधा मिलता है आपको उसके अंदर मैट फिनिश के अंदर, और ये पार्ट जो मिलता है वो मिलता है आपको उसका ग्लॉसी फिनिश के अंदर। एंड यहाँ नीचे लगे मिलते हैं आपको टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन आपको दोनों तरफ। एंड जो इसका डिज़ाइन अपने अलॉय का वो कुछ चेंज नहीं करा, सेम ऐसे रह गया। और जो आपको टायर मिलता है वो मिलता है आपको TVS का जो मिलता है ट्यूबलेस टायर। एंड बाकी टायर साइज की, तो भाई यहाँ पर आपको 12 इंच का मिलता है आपको ट्यूबलेस टायर, यहाँ पर दिख रहा होगा थोड़े से टायर थोड़ा गंदा हो रखा है तो उसमें थोड़ा सॉरी बाकी दिखा दिया मैंने आप, और जूम मार देता हूँ ओके। एंड भाई यहाँ पर आपको 220 mm का मिलती है आपको अपने डिस्क साइज, जो काफ़ी छोटी सी मिलती है आपको, बट ब्रेकिंग पाइट काफ़ी अच्छी हो जाती है इसके मुकाबले। एंड भाई यहाँ बात करते हैं साइड में, और हम बात करते हैं स्कूटी के ग्राउंड क्लियरेंस की, तो भाई इसमें भी आपको 160 mm का मिलता है स्कूटी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छे खासा मिल जाता है। एंड बात करते हैं स्कूटी प्रैक्टिकलिटी की, कि अगर मान लो अगर हमें कोई वाटर वाटर रखने कैसे रखेंगे भाई, पैर आप इस पर ईजिली अपने ऐसे रखकर चला सकते हो स्कूटी को। एंड भाई इसमें आप अपनी एक 20 लीटर की बोतल
वाटर बॉटल भी भाई आपको इसमें आराम से कैरी नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा आपको आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपनी बॉटल को लेकर इसकी स्कूटी में जब लाओगे। बाकी भी छोटा सामान था काफ़ी अच्छा तरह आप लेके आ सकते हो। एंड यहाँ पर आपको 4-5 kg का मिल जाता है वो, जिसमें आपको इजीली अपना सामान रख सकते हो। एंड इसका जो मिलता है आपको डैशबोर्ड वो मिलता है आपको लाइट ब्राउन कलर का मिलता है, ब्लैक कलर का जैसे ब्लैक कलर से ब्लैक कलर का देगा आपको डैशबोर्ड। इसमें आपको माननी पड़ती है पॉलिश वगैरह, बट इसमें कुछ नहीं माननी पड़ती। इसमें तो भाई आपको ऐसे साफ कपड़ा मारो, साफ कपड़ा मारो, ऐसे चमकता रहता है अपने ये सदाबहार, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा जादू आपको दिखा देता हूँ कैसे। भाई चाबी अपनी ऑन करी तो भाई इसमें आपको मिलता है यहाँ पर USB मिलता है आपको चार्जिंग पोर्ट, जिसमें आपको कवर कर लो अपने इस तरीके से। एंड आप चाहो तो भाई अपना सामान रख सकते हो, या अपना चार्जिंग फ़ोन लगाने के बाद अपना यहाँ पर अपने फ़ोन को रखने के बाद अपने इस तरीके से इसको बंद कर दो, ना ही आपको फ़ोन गिरेगा, ना ही आपका फ़ोन छीनेगा, ना ही फोन आपको चोरी वगैरह होगा, ठीक है। इसको कर देते हैं एक बार अपना ऑफ। एंड अब आ जाते हैं आपके साइड वगैरह में, तो यहाँ पर आपको बर्ग मैन नहीं मिलती है आपको अपनी ब्रांडिंग, जो यहाँ पर मैन स्ट्रीट की मिलती है ब्रांडिंग राइट कनेक्ट एडिशनल साथ में। भाई इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 10 बटन नेविगेशन, आपको सारे फीचर आपको मिल जाते हैं स्कूटी के अंदर इस तरीके से। बाकी इसमें भी आपको अपनी साइड में ग्लॉसी पार्ट से पूरे ट्रीटमेंट दिए हुए हैं। स्कूटी के अंदर भी आपको मिल जाती है एलुमिनियम मिलती है आपको, फुटर्स जो मिलती है आपको एडजस्टेबल के साथ में। इसमें आपको मिल जाता है एग्जॉस्ट जो मिल जाता है, जैसे आपको सेम मिलता है एवेलेश के अंदर, इसमें आपको सेम मिल जाता है बर्गमैन मिल जाता है सेम आपको। यहाँ पर आपको ग्लॉसी की मिलती है आपको ट्रीटमेंट, यहाँ पर आपको प्लास्टिक का मिलता है पूरा आपको कवर भी मिल जाती है इस तरीके से। अगर आपको ऑयल चेंज आप चेक करोगे या डालोगे अपना ऑयल, तो यहाँ से अपना डल ऑयल। बाकी मिलता है यहाँ पर आपको फैन मिल जाता है। एंड पीछे वाले बात है टायर साइज़ की, तो भाई आपको पीछे वाला मिलता है MRF का टायर, जो मिलता है टायर साइज़ की बात करें तो 90-90-110 inch का मिलता है। इसका आपको ट्यूबलेस टायर दिख रहा होगा आपको यहाँ पर इस तरीके से, और ठीक है। तो भाई इसमें भी ठीक है, तो भाई इसमें भी आपको पीछे मिलता है इसके अंदर आपको ग्रिप हैंडल्स वगैरह इस तरीके से जो मिलता है, काफ़ी ग्लॉसी मिलता है, काफ़ी चौड़ा मिल जाता है आपको। अब आपको दिखाता हूँ उसके हेड लैम्प, जो काफी जिसके मैं खाता हूँ टेल लैम्प, सॉरी हेड लैम्प का मैं दिखाता हूँ, उसके टेल लैम्प जो काफ़ी सुंदर मिलते हैं आपको LED के अंदर। चाबी अपनी कर देते हैं एक बार अपनी ऑन। एंड बाकी टेल लैम्प अपने हो चुके हैं, जो मिलते हैं आपको अपनी LED के अंदर इस तरीके से काफ़ी सुंदर लगते हैं। यहाँ पर मिलता है आपको इंडिकेटर, जो मिलता है आपको सिंपली हेलोजन बल्ब के अंदर आपको। यहाँ पर मिलता है आपको नंबर प्लेट की प्लेसमेंट, यहाँ मिलता है आपको लिथियम लाइट, यहाँ पर मिलता है आपको सुजुकी की ब्रांडिंग, ठीक है। यहाँ पर लग के मिलता है आपको फिल्टर, जो मिलता है आपको ऑरेंज कलर, यहाँ लग के मिलता है आपको रेड कलर का, ठीक है। और अब दिखा देता हूँ उसकी आपको भाई ब्रेक पे अपने कुछ ये ऐसा रिस्पॉन्स करेंगे इसके ये टेल लैम्प्स वगैरह इस तरीके से, काफ़ी सुंदर लगता है देखने में मुझे पर्सनली, ओके। और एक बार चाबी अपनी ऑफ कर देते हैं। स्कूटी में आपको 155 mm मिलते हैं स्कूटी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस। एंड यहाँ पर आपको टीवी से सिंकी मिलती है बिल्डिंग, बाकी यहाँ पर आपको पूरा मिलता है पार्ट फाइबर फिनिश के अंदर। एंड बाकी थोड़ा सा यहाँ पर आपको ना कार्बन फाइबर टच दिया हुआ है, नकली वही ओरिजिनल नहीं आता है, पर टेक्सचर आपको उस तरीके से दिया हुआ है उस तरीके से। एंड बात करते हैं स्कूटी के स्पेस की, तो यहाँ पर अगर हम बैठते हैं मान लो, तो हमारे पैर कैसे आते हैं, तो भाई आपके पैर आराम से इजीली आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप एक 20 लीटर की बोतल जो होती है आप उसको इजीली कैरी नहीं कर पाओगे भाई, यहाँ पर ना स्पेस काफ़ी कम मिल जाता है। मेरा तो शूज़ यहाँ पर पूरा भी ऐसे खड़ा भी नहीं हो पा रहा, पिछड़ा देखो पीछे में, तो बोतल आ नहीं पाएगी आराम से। तो थोड़ा बहुत सामान आप उसमें कैरी कर सकते हो। यहाँ पर मिलता है आपको हैंगर, जिसमें आपको सामान वगैरह इजीली आप कैरी कर सकते हो यहाँ पर भी। और एक चीज़ और वो बात बताऊँगा पर आपको मैं, और इधर आते हैं तो भाई यहाँ पर आपको मिलती है फुटर्स, जो मिलती है एल्युमिनियम के अंदर इस तरीके से, जो फोल्ड आप अनफोल्ड कर सकते हो मैनुअली। एंड आप यहाँ पर एनटॉक 125 की मिलती है ब्रांडिंग, जो भाई एनटॉक की जिसकी आउटलाइन थी ना काफ़ी अच्छी तरीके से करी गई है, जो रेड फिनिश में दी है, तो इससे काफ़ी निकल के आ रहा है इसका एनटॉक 125 की ब्रांडिंग वगैरह। बाकी ग्लॉसी फिनिश के अंदर मिलते हैं इसके स्टिकर्स वगैरह, यहाँ पर मिलती है 125 की ब्रांडिंग। बाकी मिलती है आपको कुछ ग्राफिक्स वगैरह इस तरीके से, बाकी ये भी आपको पूरा मिलता है ब्लैक फिनिश के अंदर। और नीचे मिलता है आपको अपना फैन मिलता है, जो रखते मिलता है आपको रेड कलर का। बाकी मिलता है एग्जॉस्ट साउंड काफ़ी अच्छी करती है, ये बात तो माननी पड़ेगी। एंड बाकी यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्टील या स्टील्स में आपको थोड़ा सा मिल जाता है कुछ पार्ट वगैरह कवरिंग करने के, बाकी प्लास्टिक वगैरह मिलता है इसके अंदर। और जो दिखा इसके अंदर सिक्वेंसर मिलता है, जो मिलता है आपको स्प्रिंग टाइप का, उसमें दिखाऊंगा लगा हुआ है। एंड इसमें भी आपको पीछे लगा हुआ है टायर, जो लगा हुआ है TVS कंपनी का, जो मिलता है ट्यूबलेस के साथ में। पीछे वाले टायर से बात करें तो भाई यहाँ पर आपको 110-80-12 inch का मिलता है आपको पीछे वाला ट्यूबलेस चार। बाकी सेम मिलता है आपको एलोय डिजाइन, कलर मिलते हैं आपको उसके अंदर एलोय का, रेड मिलता है आपको जो मिलता है क्रॉसी के अंदर। एंड यहाँ पर लगे वर्ष ट्रैक्टर वगैरह इस तरीके से। एंड बाकी यहाँ पर भी आपको कुछ टेक्सचर दिया है, कुछ कार्बन फाइबर टच में ऐसे टेक्सचर दिया होगा इस तरीके से। बाकी ये मिलते हैं इसके अंदर, ये मिलते हैं ग्रिप हैंडल्स, जो मिलते हैं आपको एल्युमिनियम के अंदर, मिलते हैं मैट फिनिश के अंदर, काफ़ी सॉलिड मिलते हैं इसके अंदर। और पीछे मिलता है आपको लाइट, जो मिलती है एंड टॉप की, एक बार दिखाता हूँ कैसे मिलती है। अभी करता हूँ अपनी आपको ऑन,
तो भाई चाबी हो चुकी है अपनी। तो भाई आपको काफ़ी सुंदर सी मिलती लाइट जो मिलती है आपको कुछ इस तरीके से पूरी मिलती है पैलेडी के अंदर। एंड अगर मैं इसको ब्रेक प्रेस करता हूँ तो भाई ये लाइट है कुछ ऐसा रिस्पॉन्स करेगी ब्रेक पे। और नीचे मिलती है आपको लाइट जो मिलती है आपको हैलोजन लाइट, यहाँ पर नंबर प्लेट के प्लेसमेंट के साथ में यहाँ पर मिलता है आपको TVS का ब्रांडिंग मिलती है, मिलते हैं इंडिकेटर जो मिलते हैं आपको सिंपली हैलोजन बल्ब के अंदर, पर मिलते हैं आपको हेडसेट के साथ में ही है। एंड और तो बचानी स्कूटी के अंदर इधर से बात करते हैं तो भाई आपको सेम यहाँ पर भी आपको बर्गमैन की मिलती है आपको स्ट्रीट मिलती है ब्रांडिंग, यहाँ पर मिलती है आपको राइट करंट एडिशन मिलती है आपको ब्रांडिंग वगैरह। एंड यहाँ पर मिलता है फिल्टर बॉक्स क्लच बॉक्स साथ में मिल जाता है आपको, आपको मिल जाती है किक वगैरह डबल स्टैंड साइड स्टैंड यहाँ पर भी आपको सेम दिया है। फिल्टर जो मिलता है एल्यूमिनियम का काफ़ी अच्छा खास चमक रहा है, ये मिलता है एडजस्टेबल आपको। एंड यहाँ पर भी सेम दिया इस तरीके से। और अब चीज़ें दिखाते हैं आपको अपना इस तरीके से, जैसे कि चाबी अपनी ऑफ ऑन कर रखी है, सीट खोलनी है इसकी हमें अपनी, तो इधर आ जाते हैं। तो भाई तो यहाँ पर इसी खुल चुकी है आपको सीट, जिसमें आपको 20.5 लीटर की मिलती है आपको फ्यूल मिल जाती है आपको, अंडर सीट मिलता है आपको स्टोरेज में आपको एक बड़ा वाला फुल मास्क फुल फेस वाला अपना हेलमेट आपको रख सकते हो कीजिए कैरी कर सकते हो। एंड इसमें आपको 5.5 लीटर की मिलती है फ्यूल टैंक कैपेसिटी, जिसमें यहाँ पर आपको यहाँ पर इजीली से ओपन करके पेट्रोल लगा के अपनी राइड को भी इंजॉय कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पर मिलती है इसकी आपको मिलती है टूल किट वगैरह मिलती है, यहाँ मिलती है आपको मेडिकल किट वगैरह, ठीक है। एंड इसे कर देते हैं बंद आपकी। तो हाँ जी, तो बात करते हैं पहले स्कूटी के मेन दिल की मतलब मेन इंजन की। तो भाई आपको सेम इसके अंदर भी आपको 125 का मिलता है इंजन जो मिलता है आपको, बात करें तो सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल के साथ मिलता है। बात करें इसके पावर की तो 8.7 PS की पावर प्रोड्यूस करता है। बात करें इसके मैक्स टॉर्क की तो 10.9 का प्रोड्यूस कर जाती है अपनी बाइक जो पावर वावर दे देती है टॉक दे देती है। एवरेज भाई 50 से 55 तक अपनी इसकी एवरेज क्लेम कर रही है, आराम से 50 से 40-45 से वो निकाल देती है स्कूटी वगैरह। बात करते हैं पहले स्कूटी के पहले मेन अपने प्राइसिंग की, जैसे आपको स्कूटी की वगैरह तो भाई यहाँ पर आपको मिलती है फिजिकल की मिल जाती है दो सेम आपको मिलती, कोई भी आप इसका स्कूटर ले लो अपना सुजुकी का जिसमें आपको सेम मिलती है आपको की वगैरह सुजुकी ब्रांडिंग के साथ में। इसको करते हैं अपने इंसर्ट, तो भाई यहाँ पर मिलता है इसका आपको मीटर जो मिल जाता है कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको अपना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी 10x10 नेविगेशन आपको सारी चीज़ मिल जाती है। यहाँ पर मिलता है आपको अपनी रेंज मिल जाती है, किलोमीटर मिल जाते हैं, बैटरी बैकअप मिल जाता है एंड फ्यूल ओवर दिखा रखा है। इसमें आपको मोड्स मिल जाते हैं, यहाँ आ गया आपको यहाँ आ जाएगा पेयरिंग मोड वगैरह इसको हटाकर, किलोमीटर्स ट्रिप ए ट्रिप बी एवरेज रियल टाइम एवरेज आपको सारी चीज़ आपको इसमें आपको आराम से दिखाएगी ये स्कूटी वगैरह। कंट्रोल्स की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर आपको मिल जाता है ये हाई बेल ऑफ मिल जाता है आपको, टेनेटर स्विच हॉर्न स्विच मिल जाता है, इंजन किल स्विच आपको और सेल्फ स्विच आपको साथ में मिल जाता है इंटीग्रेटेड। एंड इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको छोटी सी आपको मिलती है पॉकेट वगैरह जिसमें आपको इजीली अपना सामान रख सकते हो, काफ़ी गहरी मिल जाती है आपको काफ़ी डीपली मिल जाती है आपको। और इसका लुक भाई काफ़ी आपको फ्यूचरिस्टिक काफ़ी अच्छा खासा आपको मिल जाता है, जैसे बाहर में जैसे थाईलैंड वगैरह में स्कूटर चलते हैं ना, थोड़ा कुछ ये ऐसा लुक्स में अपना स्कूटर बनाया गया है, इसका लुक्स जो इसका डिज़ाइन दिया है कुछ इस तरीके से। एंड ठीक है, और सीट भी आपको काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, आपको 780 mm की सीट हाइट के साथ मिल जाती है। अब इधर आते हैं तो भाई इधर आपको साइड में एंटो 125 की मिलती है, अगेन ब्रांडिंग वगैरह इस तरीके से। और बाकी यहाँ पर मिलती है कुछ क्रेप हैंडल वगैरह दिखा दी मैंने आप सभी को। एंड यहाँ से बाइक अपनी स्कूटी का लॉक अपना ओपन कर सकते हैं, एंड आपकी स्कूटी का जो पेट्रोल टैंक है वो भी यहीं से ओपन होगा। एंड यहाँ पर आपको 5.8 लीटर की मिलती है एंटो E20 मिलती है ब्रांडिंग के साथ में आपको, मतलब मिलती है E20 सबों के साथ मिलती है आपको 5.8 लीटर मिलता है फ्यूल टैंक कैपेसिटी। एंड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हेलमेट वगैरह रखने के लिए स्पेस, और आपको फ्यूल टैंक खोलने के लिए आपको इस तरह खोलना है और हेलमेट रखने के लिए आपको इस तरह खोलना है, वो दिखा दूंगा आपको मैं। बाकी अगर बात करूँ इसके अपने इंजन की तो भाई यहाँ पर आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूलर इंजन जो मिलता है 3 वॉल्व के साथ में। अगर बात करूँ उसकी पावर प्रोड्यूस जो एक स्कूटी कितना पावर प्रोड्यूस करती है, तो भाई आपको 10.2 PS की पावर प्रोड्यूस करती है। बात करें इसके मैक्स टॉर्क की कितना एनएम का प्रोड्यूस करती है, तो भाई आपको 10.9 NM का प्रोड्यूस करती है, काफ़ी अच्छी खासी पावर प्रोड्यूस कर देती है 125 cc के हिसाब से। और बाकी यहाँ पर आपको मिलता है क्लच कवर वगैरह सीरीज से, स्कूटी मिलती है आपको किक वगैरह स्टार्ट, और यहाँ पर मिलती है TVS की ब्रांडिंग वाइट रंग के साथ में। बाकी मिलता है इसका फिल्टर बॉक्स, बाकी यहाँ पर मिलता है सस्पेंशन जो मिलता है आपको स्प्रिंग टाइप मिल जाते हैं। एंड बाकी मिलता है इसका लेटेस्ट फीचर्स मिल जाती है आपको उस तरीके से। एंड यहाँ पर मिलती है फुटर्स जो मिलते हैं एलुमिनियम में, मिलती है एडजस्टेबल साथ में स्कूटी में, ज़्यादा आपको डबल स्टैंड और मिल जाता है साइड स्टैंड वगैरह इस तरीके से। और अब दिखाते हैं आपको उसका मीटर वगैरह की के ऊपर, तो भाई यहाँ पर आपको TVS की मिलती है ब्रांडिंग साथ में जो मिलती है फिजिकल की नॉर्मल की मिलती है आपको। एंड इसको करते हैं अपने इंसर्ट, और भैया
और भैया क्या करें, इसे करते हैं ऑन फटाफट से, अभी बहुत टाइम हो गया। अरे क्या हो गया, हो गया भाई ऑन। तो भाई यहाँ पर आपको मिलती है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का मिलता है पूरा ऑप्शन, हेलमेट पर दिखा रखा है। इसके अंदर आपको वॉइस असिस्ट भी मिल जाता है, एंड इसमें आपको मिलते हैं दो मोड जो मिलते हैं स्ट्रीट मोड लगा हुआ है इसके अंदर, एक मिल जाता है आपको रेस मोड, दो में मिलते हैं बाकी आपको राइट स्टार्ट लास्ट लैप बेस्ट लैप स्ट्रीट मोड वगैरह। बाकी टेम्परेचर दिखाती है, फ्यूल दिखाती है कितना कम है कितना है, एडमीटर दिखा रखा है, टाइम दिखा रखा है, एंड आपको ट्रिप भी दोनों मिल जाते हैं, ऑडोमीटर मिल जाता है आपको उसके अंदर, बाकी पावर इको मिल जाता है उस साइड मिल जाती है। एंड इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको पासिंग स्विच मिल जाता है आपको साथ में, और डीपर स्विच मिल जाता है आपको, मिलता है इंडिकेटर स्विच, मिलता है हॉर्न स्विच, एंड यहाँ पर मिलता है आपको इनेबल स्विच, ये मिलता है आपको अपना हजार्ड का ऑप्शन, जैसे कि इसको मैंने करा ऑन तो चार इंडिकेटर आपको ऑन हो चुके हैं, सो करा ऑफ किया बंद हो गए। यहाँ पर मिलता है आपको सेल्फ स्विच, इसके अंदर आपको दिया हुआ असिस्ट का स्विच, वो मिलता है वॉइस कमांड को जैसे मिलता है इसके अंदर, ठीक है ओके। और इधर दिखा देते हैं इसका मेन चीज क्या है भाई, अपना इसका पेट खोल देते हैं। हाँ जी तो भाई ऑन हो गया। हाँ जी भाई, तो भाई यहाँ पर आपको मिलता है USB मिलता है आपको चार्जिंग पोर्ट, एक बार दिखाई देता हूँ आपको, इस तरीके से मिल जाता है, दिख गया भाई आपको। एंड भाई यहाँ पर आपको लाइट वर्क मिलती है नहीं है इसके अंदर, बाकी यहाँ पर आपको 21 लीटर का मिलता है अंडर सीट स्टोरेज, इसके अंदर आपको अपना एक फुल फेस जो अपना होता है हेलमेट आप उसको कैरी कर सकते हो साथ में, थोड़ा सामान के साथ में। बाकी मिलती है टूल किट, मिलती है मेडिकल किट, बाकी ये कुछ मिलती है कुछ ऐसी कुछ पड़ता वड़ता नहीं है। ये मिलता है OBD स्विच। OBD क्या होता है भाई, जैसे कि मान लो बाइक में आपकी कुछ भी स्कैनिंग वगैरह करनी है, क्योंकि इसमें अंदर अब बेसिस के अंदर ये बेसिस के अंदर एफ इंजेक्टर आ गया जब से, तो इसमें अंदर आपको मिलती है OBD, क्योंकि भाई जिसमें पूरी स्कूटी में कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी स्कैन स्कूटी स्कैन होगी तो आपको यहीं से वो अपनी होगी ओके। और बाकी यहाँ पर तो कुछ दिखा दिया मैंने आपको इस तरीके से, इसको कर देते हैं बंद। और आपको जो सीट मिलती है वो मिलती है काफ़ी कंफर्टेबली, इजीली आप तीन बंदे बैठ सकते हो, एंड टॉप की ब्रांडिंग मिलती है सीट में अंदर इसकी, और काफ़ी ज़्यादा मिलती है कंफर्टेबल मिलती है सीट इसकी। और एक बार दिखाते हो टैंक खोल कर आपको, तो ऐसे मिलता है कुछ अपना 5.8 लीटर मिलता है फुल टैंक कैपेसिटी, मोटा मोटा भाई आपको 6 लीटर का आराम से पेट्रोल उसमें आ ही जाएगा, ठीक है बंद कर दो भाई इसको, हो गया भाई बंद अपनी। बस इसकी प्राइसिंग तो भाई कितने की पड़ती है एक्स शोरूम, भाई ये आपको एक्स शोरूम पड़ती है 98,301 रुपीज़ की पड़ती है एक्स शोरूम। एंड बात करें यहाँ पर स्कूटी के ऑन रोड दिल्ली प्राइसिंग के अंदर, तो ये आपको 1,15,000 रुपये की पड़ती है ऑन रोड दिल्ली प्राइसिंग के अंदर, ये है इसका अपना बेसिक ऑन रोड प्राइसिंग, ठीक है। इसमें से आपको हेलमेट कुछ नहीं मिलता है, जब गाड़ी मिल जाती है आपको, बाकी उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करने पड़ता है हेलमेट वगैरह के लिए, ये इसकी अपनी 1,15,000 रुपये इसकी है बेसिक ऑन रोड प्राइसिंग। और बात करते हैं अपनी स्कूटी की प्राइसिंग की कितनी पड़ती है आपको ये एक्स शोरूम, ये प्रति आपको 99,121 रुपीज़ की प्रति एक शोरूम। एंड बात करें स्कूटी की ऑन रोड दिल्ली प्राइसिंग की, तो भाई ये प्रति आपको 1,17,800 की प्रति है, मतलब 1,17,800 रुपीज़ की प्रति आपको ऑन रोड दिल्ली प्राइसिंग के अंदर। फिर से करते हैं अपनी वीडियो को यहाँ पर अपनी एंड, और आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो जहाँ से पहले मेरी वीडियो को भाई सबसे लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपको अपनी एक और सी अच्छी सी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, सब डाटा बाय बाय एंड राम राम मेरे सारे भाइयों को, एंड आप सभी अपना ध्यान रखें।